नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्य सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें जौनपुर जिले के भदेवरा गांव से आया और फिलहाल अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश भी हो रही है। आप लोग देख सकते हैं घर में सांप निकलने की वजह से सभी लोग घर के बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं ताकि हम लोग आए और सांप को जल्दी से जल्दी उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करें, जिससे कि सांप की भी जान सुरक्षित हो जाए और इन लोगों की भी जान सुरक्षित हो जाए। इसलिए बिना वक्त गवाए चलिए चल करके देखते हैं कहाँ पे और कौन सा सांप है, उसका सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। बाहर है कि घर के अंदर है? हाँ सर, जब सारा को बंद नहीं करना, देखते रहने से दिखा क्या एक सेकंड में दिखेगा। कुछ हटाना पड़ेगा, कल से ही पड़ा है। कल कितने बजे से? कितने शाम को टाइम पे हुई? 7:00 बजे। कभी कल का ही है? हाँ कल से ही थे। कल से बैठा हुआ है? हाँ, सुबह में इन लोग को दिखा था, सुबह में हम लोग फोन किए, शाम को ही दिखा था। हम लोग चारपाई रुपाई सब लोग बाहर कर लिए, बोले सो जाओ सब लोग बाहर। जब आपसे बात हुआ था आप डायरेक्ट बात करने लगे ना? हाँ। पहले सुबह में उनको ही लगाए थे, अब वो बात करके उनका शायद कोई दूसरा, उनसे बात नहीं हुई, उनके साथ में कोई था, वो लोकेशन लेके सब कुछ, फोन ही नहीं उठा रहे थे। हम लोग परेशान हुए, फिर आपका नंबर निकाले यूट्यूब से, फिर वहाँ से जो है आपसे बात हुआ। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इन लोगों ने एक तरह की घास, एक तरह का छोटा पौधा है जिसे हमारे ग्रामीण इलाकों में अक्सर सांप भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब लोग अपने घरों के आजू बाजू उसको लगाया करते हैं ताकि सांप उनके घर में ना आए। उस पौधे की टहनियों को भी यहाँ पर रखा हुआ है ताकि जो सांप है वो निकल करके घर से बाहर ना भाग पाए। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसा विचार बना रहे हैं कि इस पौधे की भी टेस्टिंग करके देखेंगे क्या सच में ये सांपों को भगाने में कारगर है, या फिर ऐसे ही हम लोग इसको अपने घरों के आसपास लगा करके निश्चिंत हो जाया करते हैं कि हमने इस पौधे को लगा दिया है और जो सांप है वो हमारे घर में नहीं आएगा। हल्का लेकिन हट जाएगा, मुझे लग रहा है एक दो लोगों को लेके तुरंत हटवा दीजिए, तेजी से खींचे। ऐसा करिएगा आप लोग, इधर पकड़िए, इधर सांप है ना, इधर उधर पकड़िए, इधर फटाके आपको इधर खाने का मिल गया। कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं ना। बिल नहीं है, बिल नहीं है, देख लेना। कुछ खा के उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें बैठा हुआ, आराम से बैठा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, दिखा, दिखा। से वीडियो बनाया था सर, मुझे दिखा। मैं तो कह रहा हूँ इसको बस घुमा के उठा लीजिए, इधर इधर बक्से को घुमाइए, उधर से घुस के उठा लीजिए। पकड़े पकड़िए, तो ये पकड़िए, एकदम उठा लीजिए, बिना उठाइए, उठा के इधर रख दीजिएगा। बस हट जाइए, आप हटिए, रहने दीजिए, आप हटिए, हटिए, इसको इधर पीछे दे देना। हाँ, बहुत बड़ा छोड़ा, ठीक उठा दे दो, खाने में बहुत मोटा भी लग रहा है।
अपने साइज से काफी बड़ा था। पीछे जंगल बहुत निकलते हैं। क्या इधर है क्या जंगल? पीछे जंगल ही भट्टा है। चलिए तो अभी इसको इधर ही रिलीज भी, क्योंकि अभी खाना खाया हुआ है। अब आप लोगों का थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, चल के साथ में इसको रिलीज करवा देंगे। कोई बात नहीं, उधर आगे की तरफ बढ़ के छुड़वा देंगे तो इसका फूड बच जाएगा। फूड बच जाएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इन लोगों को खाना खाने में। हाँ जी, एक मिनट सर, पीछे चलिए तो इसको लग जाए। देखिए उन्होंने बार बार हर जगह पे ये लगाया हुआ है। अच्छा, पत्ते इनको आज हम लोग टेस्ट करके दिखा देते हैं कि इसका कोई असर नहीं होता। शाम के पास इस पत्तों को रख के दिखा देंगे। उठा देता हूँ। और भी कहीं रखे क्या? दो जगह पे मिला मुझे। कितना जगह पूछी उसे, कितना जगह पे रखे हैं? पूछता हूँ, एक सेकंड आने दीजिए। बाहर इधर सूखा टाइप है जगह, उधर थोड़ा सा। हाँ इधर सूखा, इधर आजी बस यही जगह ठीक है। अच्छा आप लोग ये पत्ती जो रखे हैं, ये वाला, ये क्या मतलब है सर? इसको जो लोग बुजुर्ग लोग बताते हैं ये चीज रखो, इसको वही प्राप्त बना लेते हैं। चलिए अच्छा रख के अब इसको हम लोग टेस्ट करके दिखा देते हैं। जल्दी से करिए और उसको दिखा के फिर शाम को रिलीज भी करना रहेगा ना। आप थोड़ा सा घास इनको दीजिए ना, वो उसके आगे रख के दिखाइए। तब तक जब तक बैग निकला तब तक दिखा दीजिए टेस्ट करके। देखिए ये घास से जो है उसके उसके आगे रखिए, उसके मुंह के पास में रखिए, तभी लोग समझेगा। वो जो पौधा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सांपों को। देख लीजिए, कुछ नहीं कर रहा है। देखिए उस पे टच कर रहा है, देख रहा है। एक बार फिर से रख के दिखाइए इन लोग को, फिर से दिखा देते हैं उसके। हाँ देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। बाकी ये जो घास वास है ये सब घर के आसपास लगाइए, मतलब जो ये सब पेड़ पौधे हैं इन सब लगा सकते हैं, इनसे वातावरण शुद्ध रहता है। बाकी सांपों के ऊपर कोई असर नहीं करेगा। जाओ अंदर जाओ साहब, जाओ अंदर जाओ। इनको सुनाई नहीं देता है, इनके सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, मतलब सुनाई देता है लेकिन बहुत कम। जो जीभ निकालते हैं बार बार ना, इसी से समझ जाए कि इनको थोड़ा फ्रीक्वेंसी महसूस करते हैं। जो आप पैर रखेंगे ना तो इनको पता चलेगा। अब चलिए हमारे साथ चलिए कोई एक लोग, जल्दी से इसको रिलीज करवा दीजिए ताकि इसका भोजन जो है बच जाए। चलिए जल्दी चलिए एक लोग, कोई चलिए गाड़ी में बैठ के। अरे दूर छोड़ा जाएगा ना, दूर छोड़ा जाएगा। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। बेसिकली यह नदी का किनारा और जंगल वाला एरिया है, ऐसे में यह जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो काफ़ी तेज़ी से अंदर की तरफ चला गया। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इसने अपने भोजन को वॉमिट नहीं किया, हमने इसको इसके भोजन के साथ रिलीज़ कर दिया, जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लिए कमेंट करें जरूर है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।